Hello students, I am your assistant science teacher. How are you? I hope you all are very well at your home. So students, today we are going to start our lesson number 5, class 6 of geography. In our previous video, we have completed our chapter number 4. हमारा chapter 4 complete हो गया है. हम chapter 1 से start कर रहे हैं 5. So we are going to start our chapter 5. First chapter name is Major Domain of the Earth. Earth के major domain जो होते हैं उनके बारे में आपके इस chapter में बताया गया है. There are some basic terms of this chapter. First of all, before that, we have read in our first chapter of this class 6 geography. Okay, students. What we have done, what we have read in the first chapter, the earth is only planet which has life, human beings. Because of that, lands, water, sea, सारी चीजें हैं जो हमारा अर्थ जो है ऐसा planet है जहाँ पर life संभव हो सकती है या होती है. ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं. The surface of the earth is a complex zone in which three main components. Okay, students, जो सरफेस है अर्थ का उसके कॉम्प्लेक्स में ऐसे थ्री जोन है. कॉम्प्लेक्स जोन में ऐसे थ्री मेन कॉम्पोनेंट्स है जो हमारे एनवायरमेंट को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं. तो मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे जो कॉम्पोनेंट है ये हमारे एनवायरमेंट को, हमारी अर्थ की सरफेस को और भी अच्छा बनाते हैं. देखिए, लैंड जिस पर हम रह रहे हैं, ऐसे कोई प्लेनेट नहीं है अर्थ के अलावा यहाँ पर लाइफ संभव हो सके. ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपने फर्स्ट चैप्टर को ये पढ़ा था. अब हम बात करेंगे. देखिए, जमीन है हमारे पास, सागर है, महासागर है जिनको आप कॉन्टिनेंट, ओशियन, लैंड मासेस बोलते हैं. Now this is your lithosphere. So what is lithosphere? Lithosphere is the solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. So students, solid portion of the earth. Earth का ऐसा solid portion जहाँ पर क्या होता है? जब अर्थ का ऐसा solid portion जो मतलब हमारी अर्थ पर है, जिसे हम lithosphere कहते हैं. Solid portion it means large landmass and landmass जो है तो उनको हम continent बोलते हैं. large landmass जो होते हैं continent बोलते हैं. और ocean तो ocean basins. तो ये सारी चीजें जो है हमारे lithosphere में आती है, continent, oceans वगैरह. अब हम बात करते हैं हमारे atmosphere. ठीक है, so what is atmosphere? The gaseous layer that surround the earth is the atmosphere. जो हमारे वायुमंडल में जो गैसेस होती हैं, जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें कितनी सारी गैसेस होती हैं, तो हर जो मतलब every gas are very valuable for us. हर एक गैस हमारे लिए वैल्यूबल है. हर एक गैस का अपना अलग अलग महत्व, अलग अलग इम्पोर्टेंट है. सो स्टूडेंट्स, ये जो गैस की लेयर होती है वो हमारे सराउंडेड होती है. तो वो सराउंडेड होती है हमारे, ये तो हमारे अर्थ पर ही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस रहती है. ठीक है, किसमें रहती है? एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर. सो व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर, वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर. वाटर कवर, इस ये जो वर्ड्स हैं इसी से ही काफी ज्यादा क्लियर हो रहा है कि वाटर कवर जो है हमारी अर्थ का एक ऐसा एरिया जो कि पानी से ढका हुआ है, जिसे पानी ने एक पर्टिकुलर पोर्शन में कवर किया हुआ है हमारे अर्थ के एरिए को. तो उस सरफेस जो हमारी अर्थ की जो सरफेस है जो वाटर से क्या है? कवर है. तो उसको
आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। अब आपने देखा कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर ये सारे जो है हमारे इसमें आते हैं, हमारे मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ में आते हैं। अब हम कुछ और देखते हैं, इसकी बात क्या आएगा? बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। सो स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर उसे कहते हैं, यहाँ पर नैरो जोन होता है, एक नैरो जोन के वहाँ पर हम नैरो जोन के वहाँ पर हम क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें फाइंड करते हैं वहाँ? लैंड, जमीन, पानी, हवा, ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं और एक साथ कंटेनमेंट फॉर्म में होती हैं या लाइफ पॉसिबल होती है, तो वहाँ आप उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। सो कैसे बोलेंगे आप इसको? द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन, है ना? नैरो जोन व्हेन वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर व्हिच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। सो दिस इज योर बायोस्फीयर। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर 5। सो वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट वीडियो अवर, देयर आर सम बेसिक टर्म्स अबाउट ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स।